मुस्कुराते रहिए दोस्तों, मैं हूं आपकी मुस्कान। आज मैं आई हूं नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप सोते समय क्या गलतियां करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप सोते समय क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहले तो जो आप हैं, जो मतलब घर में लड़कियां या जो लेडीज होती है, वो ऐसे करके सोते हैं, ऐसे करके जी घुटने हैं पेट के अंदर, मतलब बिल्कुल ऐसे घुसा देते हैं कि ऐसे करके सोते हैं कि हमें ऐसे करके नहीं सोना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड है, जो मेंस वगैरह होते हैं, जो और भी मतलब बच्चे हैं, जो इस तरह से सोते हैं, इतना मोटा तकिया ले लेते हैं वो, ठीक है, उसके बाद अपने हाथ ऐसे ऐसे या तो छाती पे रख लेते हैं या पेट पे, जो कि हमें कभी भी नहीं रखने चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ थर्ड तरीका। थर्ड तरीके में जो हम गलत सोते हैं, ऐसे ऐसे करके जो ये पैर है वो यहाँ रखते हैं, ये जो छाती है जो उनकी दब जाती है, जिससे हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट की बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अब तक जो मैंने आपको बताया था कि सोने का जो गलत तरीका होता है वो क्या था, अब मैं आपको बताऊंगी जो सोने का सही तरीका होता है, जिससे आप अपनी अनेकों बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, लीवर में दिक्कत होती है, मतलब काफी सारी जो बीमारियां होती है उनसे बच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सोने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो हमें तकिया है जो कभी भी ज्यादा मोटा नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और हमें इस प्रकार से सोना चाहिए, जो हाथ हमारा ऐसे हो सकता है या ऐसे, या हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, बट हमें ऐसे ही सोना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट तरीका। और जो सेकंड जो मैन के लिए है, ऐसे कोई भी सो सकता है, ऐसे ऐसे सोना चाहिए, ना कभी भी हाथ पेट पे रखना चाहिए ना छाती पे, जिससे कि हमें बुरे सपने भी आ सकते हैं या फिर हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमें हाथ हमेशा ऐसे नहीं रखने चाहिए, हमेशा हाथ ऐसे रखने चाहिए। ठीक है, जो थर्ड तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे जो ये हमारा हाथ है वो ऐसे रहेगा, और ऐसे जो ये हमारी चेस्ट है ये दबनी नहीं चाहिए, ये सिर्फ ऐसे रहेगा, या फिर हम ऐसे भी लेट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और लास्ट तरीका, जिसमें हम ऐसे भी सो सकते हैं, हाथ मतलब बॉडी पे कहीं पे नहीं होना चाहिए, हाथ सिर्फ ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये है जो सोने के हैं सही तरीके, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। आपको इस तरह से सोना चाहिए, जो इससे पहले मैंने बताए थे वो थे गलत तरीके, इससे आपको नहीं सोना चाहिए, जिससे आपको कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, और अगर आप सही तरीके से सोएंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। हमें जो खाना है जो सोने से 1 घंटा पहले खाना चाहिए, ताकि जो हमारा खाना अच्छे से पच जाए, ताकि जिस टाइम हम सोए तो वो हमारे शरीर में मतलब पड़ा ना रहे। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज बताने जा रही हूँ, जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उनको किस तरह से सोना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, आपको उस तरह से सोना चाहिए जिससे आपके दर्द में है, जो कि आराम भी मिलेगा और आगे ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसको है जो ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है, उसके बाद आपको तकिया नहीं लेना, इसको यहाँ पे रख के और ऐसे ऐसे आपको सोना है। ठीक है, आपको इस तरह से सोना है जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको बताया है सोने के सही और गलत तरीके, तो अब आप मुझे बताइए कि आप किस तरह से सोते हैं। ठीक है, और जो आपने जो मैंने अभी आपको सही तरीका बताया, आपको उसी तरह से सोना चाहिए, ताकि आप आने वाले मतलब आपके आने वाली जो भी बीमारियां होंगी उनसे ताकि बच सके। बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, सबको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन सब बीमारियों से बच सके। और अगर आप इस तरह से सोते हैं जिस तरह से मैंने बताया सेकंड में सही तरीके से, तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।